बेटी सावित्री, कहिए महाराज, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो लाडो? कैसी बातें करते हो आप? हाँ, आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो और कहते हो कि मैं आपका पीछा क्यों कर रही हूँ? बेटी, ये तो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि तेरे तप और तेरे तेज को, तेरे पतिव्रत धर्म को देखते हुए मेरे दूतों की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे पति के प्राणों को निकालने की। इसलिए इस धरती लोक पर मुझे स्वयं आना पड़ा तुम्हारे पति के प्राण निकालने के लिए। नहीं, हे महाराज, हाँ, जब तक आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दोगे, जब तक मैं आपके पीछे आना बंद नहीं करूंगी। बेटी, ये मेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य इस समय यह बनता है कि तू अपने मृतक पति की लाश को ले जाकर शमशान में जाइए और वहाँ उसकी अंतिम क्रिया करिए। क्योंकि जब तुम्हें नारद जी ने बता दिया था एक बेटी, इस मनुष्य की मात्र एक वर्ष की आयु है, तो तुमने जिद करके इससे शादी की, लेकिन तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म को देखकर ये यमराज बहुत ज्यादा प्रसन्न है। बेटी, जो तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो तुम उससे मांग सकती हो। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकते, हाँ, तो हे महाराज, मैं कुछ प्रार्थना, कुछ अर्ज करना चाहती हूँ आपसे। तो कहिए, सुनिए मेरी बात। कहो मेरी अरजी सुनो, या मेरा जी आजी कुछ रहम मेरे पे था। सुनो या मेरा करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, ओट कर हे यमराज बचा।
हर की जमीन नहीं डालूंगा और चीज अरे और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो ते हालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो ते हालूंगा समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीस धर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन पर दो अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन पर दो हो मैं फिर मांगू महाराज में फिर महाराज लाज मेरी के हो तुम्हें रखवाले मेरी महाराज सुनो या मेरा बेटी सावित्री जी महाराज तुम्हारे ऊपर तनस खाकर के यमराज इतना प्रसन्न था और इतना प्रसन्न है तुम्हें बिना कुछ मांगे देने के लिए इतना लालायित है क्योंकि मैं जानता हूं तेरा पहाड़ जैसा जीवन तेरे लिए काटना बहुत मुश्किलों भरा होगा लेकिन बेटी जब मैं तुझे हंसी खुशी ही देना चाहता हूं तो बेटी तीन वचनों में बांधने का कारण जानना चाहूंगा तू मुझे तीन वचनों में क्यों बांध रही हो हे महाराज हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है क्या इसीलिए मैं आपको इन वचनों में बांधना चाहती हूँ तो क्या इस यमराज के ऊपर भी तुम्हें विश्वास नहीं है आप पर पूरा भरोसा पूरा विश्वास है लेकिन किस्मत पे भरोसा नहीं रहा महाराज तो बेटी इन तीन वचनों में अपने पति के प्राण मत मांग लेना नहीं तो मेरे लिए मैं भी वचन देती हूँ महाराज कि इन तीन वचनों में अपने पति के प्राणों को हरगिज नहीं मांगूंगी तो सुन ले बेटी मेरी बात कहिए राजपाट अरे राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन बेखट के आज बेखट के मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन बेखट के मांगो सावित्री दे दिए वचन एक दो तीन सास ससुर अंधे मेरे आंखों का उजियाला दे दो जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो हो मने ना चाहिए कुछ और मने ना चाहिए कुछ और गोरे करे अपना बचाने निभाले मेरी महाराज सुनो या मेरा धन्य हो बेटी जो आज तूने अपने तीन वचनों में अपने पति के प्राण नहीं मांगे मेरे मेहरबानों सावित्री के उस करुणामयी चेहरे को देखकर यमराज एकदम लालायित हो गए भावुक हो गए और भावुक होकर के तीन वचन दे दिए मेहरबानों ये रागिनी की और किसी का निचोड़ है अगर आप लोगों को लगे एक भारतीय नारी ने एक इतिहास में अपना एक अलग ही पहचान बनाई है स्वयं उस परमात्मा के नियम कानून को भी बदल के रख दिया और आज वो आपके सामने प्रत्यक्ष में है यमराज कैसे सत्यवान के प्राणों को वापस दे करके जाता है सावित्री के तेज और तप और पत्र धर्म के आगे सर झुक जाते हैं तो साथियों अंतिम बात में सत्यवान के प्राणों को कैसे बचा लेती है सावित्री और यमराज कैसे हार जाते हैं अपने वचन को आइए सुनते हैं
खोरा हुआ महाराज। छल से लिया मंत्री ने जा वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। अरे वचन तीसरा वापिस चली जाने बटी। अरे वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। जाओ बेटी वापिस चली जाओ। नहीं जाऊंगी। क्यों? और कहां आप जा रहे हो महाराज? मैंने बेटी तेरे तीन वचन पूरे कर दिए हैं। आपने मेरे तीन वचन पूरे नहीं किए। तूने मांगे थे अपने सास ससुर के नेत्र, तो घड़ता करके देख लेना, तेरे सास ससुर को साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। और बेटी दूसरे वचन में तूने मांगे था अपना राजपाट, खोया हुआ राजपाट जो तुम्हारे मंत्री ने छल से लिया था, जहाँ तुम्हें तुम्हारा राजपाट भी मिल जाएगा। और तीसरा वचन? और तीसरा वचन तेरी कोख से आने वाली अगली साल में 2022 में एक राजकुमार पैदा होगा। अच्छा हाँ। सच कहते हो? सच कहता हूँ। लेकिन कैसे महाराज? वचन खाली नहीं जाता। कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? अरे ख्याल करो हरे राम बैसले हो। बिना पति के पतिवरता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री ऐसे नहीं होगा बेटा महाराज। मानता हूँ एक सती औरत को बगैर जति मर्द के बेटा नहीं हो सकता। आज न जाने तुम्हारे इस दुख को देखकर इतना बड़ा भाव विभोर हो गया, मैं ये भूल गया एक सती औरत को बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन जब बेटी जब तो पूरी गारंटी दे रहे थे 2022 में बेटा होगा, अब कैसे भीगी बिल्ली बन गई महाराज। लेकिन जब तुमने मुझे इन वचनों में बांध लिया और इस यमराज को फंसा लिया, तो बेटी एक रास्ता तुम जानती होगी। जब फंसाना जानती हो तो निकालना भी जानती होगी। जानती हूँ। जानती हो हाँ। तो इस यमराज के ऊपर थोड़ी सी तरस खाइए, थोड़ा सा रहम खाइए, ताकि इस यमराज की इस दुनिया में जग हसाई ना हो। आप मुझे बेटी कहते हो? बिल्कुल। एक बेटी के नाते एक छोटा सा उपाय बताना चाहती हूँ। बताइए। आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। हे महाराज ये बताइए कि मेरी आयु कितनी बाकी है? अभी तो बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी दीर्घ आयु है। अगर मेरी बहुत बड़ी बहुत लंबी आयु है, जितनी भी मेरी आयु है, उस मेरी आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए महाराज। धन्य हो बेटी। जब आप मेरी आधी उम्र आधी आयु मेरे पति को दे दोगे तो मेरे पति जीवित भी हो जाएंगे, आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे संतान हो जाएगी, एक पुत्र हो जाएगा। और एक काम और अच्छा होगा महाराज, जब हम दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे साथ साथ महाराज। तो ले बेटी आज ये यमराज का भी वचन है, ये सृष्टि में पहली बार, इस ब्रह्मा की विष्णु की रचाई हुई सृष्टि में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या हो यम राजे होया लाहा।